उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में नगर आयुक्त धमकी प्रकरण ने अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है, जिसके चलते भाजपा के खिलाफ सपा सांसद अक्षय यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलकर भाजपा के खिलाफ अपना मोर्चा खोला। सपा सांसद अक्षय यादव के नेतृत्व में सपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर नगर आयुक्त के समर्थन में भाजपा के खिलाफ तीखी आलोचना की। सुनिए क्या कहा सपा सांसद अक्षय यादव ने। समाजवादी पार्टी का रब से जो फिरोजाबाद जिले में विधायकों के द्वारा अत्याचार करा जा रहा है, उसके लिए जुलूस निकाला था। इसमें खास तौर से जो सदर विधायक हैं फिरोजाबाद के, उन्होंने कुछ 2 हफ्ते पहले जो जिला चिकित्सालय है उसमें डॉक्टर शशि कुमार थे, उनके ऊपर दबाव बनाकर जबरन जो सर्टिफिकेट बनवाने का काम करा विकलांग का, जिस पर उन्होंने लिख दिया कि दबाव माननीय विधायक जी के द्वारा ये सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने अपने डॉक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, मेरी हत्या करवा सकते हैं माननीय विधायक सदर। उसी के तहत ये 15-20 दिन बाद जो 3 दिन पहले मामला आया है, जो जिले में नगर आयुक्त हैं फिरोजाबाद नगर निगम के, उनके द्वारा विधायक के ऊपर एक बहुत गंभीर आरोप लगाया गया कि मुझसे ये बदतमीजी करते हैं, मुझे रुलाते हैं, मुझे घर पे बुला के अपमानित करते हैं और जनता के बीच मेरे ऊपर गाली गलौज उन्होंने करी और मुझसे जिस तरह से व्यवहार करा, बात करी, तो ये मेरी हत्या करवा सकते हैं। ये बयान सभी के पास मौजूद है, सभी मीडिया कर्मियों ने इसको लिया, उन्हीं के तहत हमने भी देखा। और उसके बाद उनकी पत्नी ने और डॉक्टर ससिल की जो शशि कुमार थे, उनकी पत्नी ने भी एक शिकायत पत्र SSP महोदय को भेजा, जिसमें अपनी हत्या की उन्होंने आशंका जताई। वो रजिस्ट्री पोस्ट के द्वारा भेजा, उसकी हम लोगों ने जो चिट्ठी है वो भी उपलब्ध करवाई थी और जो सर्टिफिकेट थे वो भी उपलब्ध हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई उल्टी डॉक्टर जो हैं उनके खिलाफ हुई, उनके खिलाफ जांच चालू हुई। जांच में जो सुनने में आया उनके खिलाफ कुछ निकल के नहीं आया है। अगर उनके खिलाफ निकल के नहीं आया तो इसमें सीधे तौर पर विधायक जिम्मेदार हैं, तो विधायक के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इतने गंभीर आरोप, और वो भी सरकारी अधिकारी लगा रहे हैं। सबसे पहले तो सरकारी अधिकारी को काम नहीं करने दिया जा रहा है, पहली धारा तो यही बन जाती है। हत्या की आशंका जता रहे हैं वो दूसरी धारा बन जाती है। और भ्रष्टाचार का आरोप है, जिस तरह से नगर आयुक्त ने कहा कि ये 60-70 लाख की एक सड़क थी, एक फैक्ट्री के लिए बनवा रहे थे, वो हमने निकाल दी, वो नहीं बनवा रहे हैं। असली कारण वो ही है नाराज़ होने का, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार फैलाने का काम कर रहे हैं। और जो सरकार है BJP की, 6 महीने होने पे जिस तरह से श्वेत पत्र लेकर आए हैं, आज तक तो हम लोगों ने सुना था कि सरकार 1 महीना पूरा करती थी, 6 महीने 1 साल, तो अपनी उपलब्धियां लेकर आते थे, हमने इतने दिनों में ये काम कर दिया। हमें याद है हम लोग जब 1 साल का लेकर आए थे तो हम लोग के घोषणा पत्र में 75%। SPN 9 न्यूज़ के लिए फिरोजाबाद से अजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।